हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार, फैकल्टी हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, आरएलए कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज मेरे लेक्चर का विषय है भारत में दूरदर्शन की विकास यात्रा, या दूसरे शब्दों में आप इसे भारत में दूरदर्शन या टेलीविजन की शुरुआत कैसे हुई से भी समझ सकते हैं। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से हुई, लेकिन इसकी सुगबुगाहट सन 1955 में ही शुरू हो गई थी, जब फिलिप्स कंपनी ने दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में पहली बार टेलीविज़न का प्रदर्शन किया। आकाशवाणी के इंजीनियर भी टेलीविज़न की इस तकनीक को देखने इस मेले में गए। उस समय भारत सरकार टेलीविज़न प्रसारण को लेकर असमंजस में थी। स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी मानते थे कि भारत की जनता गरीब है और वह टेलीविज़न जैसे महंगे माध्यम को नहीं खरीद पाएगी। इसके साथ साथ वो यह भी तर्क देते थे कि अभी रेडियो की संभावनाओं का यही भरपूर उपयोग नहीं किया गया है। सरकार, विशेषकर वित्त मंत्रालय में भी अनेक ऐसे विद्वान और नीति निर्माता मौजूद थे जो टेलीविज़न पर धन खर्च करना फिजूल खर्ची मानते थे। लेकिन इसके विपरीत एक तर्क यह भी था कि देश में रेडियो के अलावा टेलीविज़न को आगे बढ़ना चाहिए तथा इसे अमीरों के मनोरंजन का ही नहीं बल्कि विकास का एक हथियार बनाया जाना चाहिए। टेलीविज़न के पक्ष में माहौल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने। उन्होंने विकास की समस्याओं को सुलझाने में टेलीविज़न की भूमिका को बार बार रेखांकित किया। टेलीविज़न सेटअप में जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो थी इस पर खर्च होने वाली लागत, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत अभी सिचुएशन में नहीं था कि वो मूलभूत सुविधाओं की बजाय टेलीविज़न जैसे महंगे प्रोजेक्ट पर धन खर्च करे। लेकिन इस समस्या को हल किया यूनेस्को ने। सन 1956 में दिल्ली में यूनेस्को का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उस दौरान यूनेस्को दुनिया भर के विकासशील देशों में विकास के लिए टेलीविज़न के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रहा था। यूनेस्को ने टेलीविज़न प्रसारण आरंभ करने के लिए भारत के सामने मदद का प्रस्ताव रखा। आर्थिक दुविधा में उलझी भारत सरकार के सामने यह प्रस्ताव उस उलझन का हल साबित हुआ। टेलीविज़न ट्रांसमीटर आदि खरीदने के लिए लगभग 40 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया गया। अप्रैल 1958 में प्रयोग के रूप में आकाशवाणी भवन में टेलीविज़न ट्रांसमीटर लगाया गया, क्योंकि उस समय देश में कोई भी टेलीविज़न स्टूडियो उपलब्ध नहीं था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के अलावा अनेक VIP लोगों के घरों में टेलीविज़न सेट लगाए गए। प्रसारण तकनीक को समझने के लिए इंजीनियरों ने इस प्रकार एक एक्सपेरिमेंटल टेलीविज़न प्रसारण शुरू किया और लगभग 1.5 साल बाद देश में विधिवत टेलीविज़न की शुरुआत हो पाई। 15 सितंबर 1959 को राजधानी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट में देश के पहले टेलीविज़न ट्रांसमीटर ने काम करना शुरू कर दिया। इस प्रसारण के लिए आकाशवाणी भवन की 5वीं मंजिल पर स्थित एक ऑडिटोरियम को टेलीविज़न स्टूडियो में परिवर्तित कर दिया गया। दूरदर्शन नामक इस टेलीविज़न सेवा का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। दूरदर्शन की पहली समाचार सेवा के डायरेक्टर शैलेंद्र शंकर, डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर PL देशपांडे और प्रोड्यूसर शिवेंद्र सिन्हा बने। लगभग 25 किलोमीटर की रेंज के इस ट्रांसमीटर से सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को कुल 60 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। इनमें से 40 मिनट के सूचना मूलक कार्यक्रम थे और बाकी 20 मिनट मनोरंजक कार्यक्रम दिखाए जाते थे। ये कार्यक्रम आसपास के क्षेत्र के 21 सामुदायिक टेलीविज़न सेटों पर देखे जाते थे। दरअसल ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल प्रसारण था और इसका नाम सोशल एजुकेशन प्रोजेक्ट था। इसका उद्देश्य भी प्रयोग, प्रशिक्षण और मूल्यांकन रखा गया। इस दौरान कार्यक्रमों में यातायात के नियमों की जानकारी दी गई, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जे, मिलावटी सामान के बारे में जनता को जागरूक किया गया। अधिकांश कार्यक्रम लोगों में अच्छे नागरिक संस्कार विकसित करने की कोशिश करते थे। टेलीविज़न का यह प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक सफल रहा। उद्देश्यों के अनुरूप आकाशवाणी की टीम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों का निर्माण किया। सन 1961 में दूरदर्शन की प्रायोगिक सेवा को नियमित करके PV कृष्णमूर्ति को इसका पहला निदेशक बनाया गया। इसी दौरान जनवरी से मार्च 1960 के दौरान प्रायोगिक रूप में टेलीविज़न पर शाम को 3 से 4 बजे तक स्कूली बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए गए।
23 अक्टूबर 1961 को आकाशवाणी ने अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत 4 साल तक दिल्ली के स्कूलों में शैक्षणिक प्रसारण किया जाना था। समझौते के अनुसार अमेरिका के विशेषज्ञ भारत आए और दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों में 600 टेलीविजन सेट स्थापित किए। बाद में ट्रांसमीटर की प्रसारण क्षमता को भी बढ़ाकर 5 किलोवाट कर दिया गया। दरअसल ये प्रयोग देश में शैक्षिक टेलीविजन प्रसारण की विधिवत शुरुआत थी। 15 अगस्त 1965 को भारतीय टेलीविजन पर रोजाना समाचार बुलेटिन की शुरुआत हुई। उस समय टेलीविजन आकाशवाणी का एक अंग था। स्वाभाविकतया टेलीविजन समाचार भी आकाशवाणी की समाचार इकाई पर पूरी तरह निर्भर था। समाचार में स्थिर चित्रों का सहारा अधिक लिया जाता था। 60 का दशक भारत में हरित क्रांति के रूप में याद किया जाता है। यही वह दौर था जब टेलीविजन का देश के विकास में उपयोग करने पर गर्मागर्म चर्चाएं हो रही थी। हरित क्रांति के जनक कृषि विज्ञानी डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की पहल पर देश के पहले कृषि कार्यक्रम कृषि दर्शन की रूपरेखा तैयार की गई। 26 जनवरी 1967 को कृषि दर्शन का प्रसारण शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों में नए खाद बीज और उत्तम खेती के तरीकों का प्रचार प्रसार करना था। 20 मिनट का यह कार्यक्रम बुधवार और शनिवार को प्रसारित किया जाता था। कृषि दर्शन सामुदायिक टेलीविजन सेटों की मदद से दिल्ली के 60 और निकटवर्ती हरियाणा के 20 गांवों में देखा गया। यह कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग, आकाशवाणी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और दिल्ली प्रशासन का मिला जुला प्रयास था। 2 अक्टूबर 1972 को बम्बई में देश का दूसरा टेलीविजन स्टेशन शुरू हुआ। 8 अगस्त 1975 को कलकत्ता, 15 अगस्त को मद्रास और 27 नवंबर 1975 को लखनऊ में भी टेलीविजन केंद्रों की स्थापना की गई। जहां सन 1969 में देश भर में केवल 12,000 टेलीविजन सेट थे, वहीं 1971 में यह संख्या बढ़कर लगभग 38,000 हो गई। 1 जनवरी 1976 को दूरदर्शन पर पहली बार विज्ञापनों का प्रसारण शुरू किया गया। आरंभ में स्थिर तस्वीरों की मदद से विज्ञापन बनाए गए, फिर विज्ञापन बनाने में जल्द ही वीडियो और फिल्मों की मदद ली गई। इसी साल 1 अप्रैल को दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। इस दिन को विशिष्ट बनाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के नाम संदेश भी दिया। यह विशेष प्रसारण साइट परियोजना के 2400 गाँवों में उपग्रह के जरिए प्रसारित किया गया। अलग होने के बाद दूरदर्शन के पहले महानिदेशक पीवी कृष्णमूर्ति बनाए गए और दिल्ली के मंडी हाउस में दूरदर्शन का मुख्य कार्यालय बनाया गया। 80 के दशक में दूरदर्शन नई ऊर्जा के साथ विकास की ओर अग्रसर हुआ। 10 अप्रैल 1982 को अमेरिका के कैप कैनेडी से देश का पहला संचार सैटेलाइट इनसेट 1A छोड़ा गया। दूरदर्शन को इससे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन यह उपग्रह अधिक दिनों तक काम नहीं कर पाया। अगले ही साल 30 अगस्त को एक और उपग्रह इनसेट 1 भी छोड़ा गया। इस उपग्रह के काम शुरू करते ही देश भर के टेलीविजन केंद्रों को उपग्रह से जोड़ दिया गया। सन 1982 के एशियाई खेलों के लिए भी इसे याद रखा जाएगा। दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के सीधे प्रसारण ने भारतीय इंजीनियरों को प्रसारण का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान किया। 15 जुलाई 1984 को देश का पहला प्रायोजित धारावाहिक हम लोग शुरू किया गया। कुल 156 कड़ियों के इस धारावाहिक को मैगी नूडल्स ने प्रायोजित किया था। दरअसल हम लोग विकास के मुद्दों को मनोरंजन में लपेट कर दिखाने का एक प्रयास था, जो काफ़ी सफल रहा। इस धारावाहिक के पात्र जल्दी ही भारतीय घरों में लोकप्रिय हो गए और प्रत्येक कड़ी के अंत में दादा मुनि अशोक कुमार के विचार आम लोगों ने खूब पसंद किए। हम लोग की सफलता के बाद दूरदर्शन पर धारावाहिकों का तांता लग गया। बुनियाद, खानदान, रजनी, नुक्कड़, भारतीय खोज, तमस आदि करीब 40 धारावाहिक एक के बाद टेलीविजन पर दिखाए जाने लगे। सन 1989 में दूरदर्शन की दोपहर की सेवा आरंभ की गई और इस दोपहर की सेवा के बाद दूरदर्शन ने कभी मुड़कर नहीं देखा। यह था दूरदर्शन का 1959 से लेकर 1990 तक का सफर। जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।